नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। आंगनबाड़ी पोषक सखी संघ द्वारा राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन क्यों दे रही है, महिलाएं जो धरना प्रदर्शन क्यों दे रही है, चलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर के ये धरना पे बैठी है। किस चीज को लेकर के आज आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग आज धरना दिए हैं, हम लोग को निरस्त कर दिया गया है। हम लोग को 5 साल काम लेकर के आज निकाल दिया गया है, इसीलिए आज हम लोग एक दिन का धरना था। अल्टीमेटम देने आए थे सरकार को कि आगे हम लोग इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन कर सकते हैं। हम लोग को अचानक से लेटर आया कि आप लोग से हम लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग का मानदेय हम लोग नहीं दे सकते हैं, आप लोग का मानदेय देने में हम सक्षम नहीं है, भारत सरकार ये योजना बंद कर दी है। हम भारत सरकार के पास भी गए पर भारत सरकार साफ साफ बोल रही है कि ये राज्य सरकार की है। आप राज्य सरकार आपको क्यों निकाला है ये मेरे को नहीं पता। अगर सरकार साबित कर दे कि झारखंड में कुपोषण खत्म हो गया है तो हम लोग ये लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। अगर कुपोषित है तो फिर हम लोग को क्यों हटाया गया? हमारा मेन मुद्दा था कुपोषण को दूर करना, जो झारखंड में भरपूर से भरपूर भरा हुआ है, और ये चीज़ को सरकार अगर देने में सक्षम नहीं थी तो क्या नेताओं को बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने में, बड़ा बड़ा गाड़ी लेने में ये तो सक्षम है, लेकिन कुपोषण को दूर करने के लिए सिर्फ 100 रुपये प्रतिदिन पोषण सखी को देने में असक्षम है ये सरकार। पोषण सखी को सिर्फ बोला गया है कि अगर आपको जरूरत लग रहा है तो आप रख सकते हैं, वो हटाने का आदेश नहीं दिया। तो यहाँ सारा का सारा हम लोग ब्लेम देंगे यहाँ राज्य सरकार को। राज्य सरकार को क्या फायदा है, राज्य सरकार जाने, सबसे ज्यादा हम ही लोग से नुकसान उसको हो रहा था जो हम लोग को हटा दिया। हम आप अगर जिस तरह का क्वेश्चन किए सर, हम यही बात बोलना चाहेंगे, क्या सरकार हम आपकी आपका न्यूज़ से हम ये सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या सबसे ज़्यादा हम ही लोग से नुकसान हो रहा था क्या? उसका 3000 से नुकसान हो रहा था, 6000 तो दे रहा है, 2017 से ही दे रहा है 6000 रुपया दे रहा ना, सेविका को, सहायिका को, पारा टीचर को दे रहा ना। हम अनडाइट फंड में सारा का आता है तो फिर हम लोग का क्यों बंद किया, क्यों हम लोग क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे? 5 साल उसको दिए हैं, हम लोग 5 साल बर्बाद किए हैं, तो क्या सरकार को नज़र नहीं आ रहा था? सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा था कि हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं उसको, उसका टाइम हम दिन दिन भर ले रहे हैं, आगे चल के उसका समय खत्म हो जाएगा, उसका उम्र खत्म हो जाएगा, वो क्या करेगी? आज रोड पे बैठने पे मजबूर किया है सरकार हम लोग को। 60 साल का तो बाहर ही दिया, फंड आ रहा है तो ये फंड क्या कर रहा है? भारत सरकार से फंड नहीं आ रहा है, भारत सरकार से फंड नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग को निकाल दिया गया है। तो भारत सरकार से फंड सेविका, सहायिका और पारा टीचर तीनों के लिए नहीं आ रहा, चारों के लिए नहीं, तो फिर हम लोग को क्यों निकाला? हम यही क्वेश्चन से करना चाहेंगे राज्य सरकार से कि जब निकालना है तो सबको निकालो, आंगनबाड़ी बंद करो या पारा टीचर को निकालो, तो फिर हम लोग को क्यों? हम लोग का 3000 था इसीलिए तुमको ज्यादा सस्ता लगा। हम लोग का घर के रह रहे, घाट के रह रहे, कितना 5 साल घर से बाहर करके और 5 साल घर से बाहर करने के बाद एक बार अंदर घुसा दिया, क्या ये सही किया आपके नज़र में? क्या सही है? आप एक रिपोर्टर हैं, क्या आपके नज़र में ये सही है? नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन यही चीज हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमको जवाब दें कि सरकार क्यों हम लोग को निकालें, जब भारत सरकार से जब फंड बंद किया गया है तो सबको निकाले साथ साथ, हम लोग सब मिलकर रोड पे बैठेंगे, हम अकेले क्यों बैठे बैठे सब कोई? दो के रखी हुआ, एगो के निकाल दिया, कहाँ के निर्णय विधानसभा के समझ वहाँ पे एक आकर के हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री जी और वहाँ विधायक लोग और सब आश्वासन दिए कि आप लोग की समस्या का समाधान किया जाएगा। वहाँ को हम लोग का हड़ताल समाप्त करके वापस घर भी नहीं पहुँचे थे और बर्खास्ती लेटर जारी कर दिए। वही सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर हम लोग को हटाना तो हम लोग का आश्वासन क्यों देने गए आप, उसी से माफ बोल देते हैं। और सरकार जो आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि 2017 में बंद कर दिया, तो 2017 के बाद 21 तक बहाली राज्य सरकार क्यों ली? तो उसी समय से हम लोग को बंद कर देना चाहिए, उस समय से अभी तक जो बहाली का है प्रोसेस वो अनुमोदन तक हम लोग का लटका हुआ है। तो सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग जो 2017 में बंद है तो वो फंड अब हम लोग को पोषण सखी को जरूरत नहीं है तो अब उसको बहाली नहीं करना चाहिए था। इसलिए सरकार से आज हम आग्रह करने आए हैं कि जो हमारे हम सभी बहनों का निरस्त लेटर आप जारी किए हैं वो पुनः वापस लें, और एक महीना के अंदर ये सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग पूरा फैमिली के साथ यही राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती है हमारी सभी बहनों और सभी फैमिली इसी धरती पर मौजूद रहेंगे। तो जैसा कि आए दिन राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन होता रहता है और ये धरना खत्म होने का नाम नहीं लेता है, और वहीं आज दूसरी तरफ आंगनबाड़ी वाले भी धरना देने के लिए इस जगह पे पहुंच चुके हैं, राजभवन के समक्ष पहुंच चुके हैं।
और ये जो लोग धरना दे रहे हैं ये लोग सिर्फ सरकार को अल्टीमेटम के लिए दे रहे हैं, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमारी बहाली नहीं कर रही है। इनका सिर्फ यही कहना है और इनकी मांग यही है कि सरकार इन्हें 5 साल से जब काम दे रही थी तो अब इन्हें काम से क्यों निकाली, और अगर निकाली है तो हर एक लोग को निकाले, सिर्फ हमें नहीं। और अब ये लोग अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे ये लोग उग्र आंदोलन पे भी उतर सकते हैं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ नराशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।